पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि उसी के गैंग मेंबर ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से विक्की मिदुखेड़ा उसका बड़ा भाई था, इसीलिए उसके ग्रुप ने उसी की मौत का बदला लिया है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, ये काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कबूल करता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है। लॉरेंस ने यह कबूल किया कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी उसका भाई है जिसका नाम आज तक के पास है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उजागर नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। लॉरेंस बिश्नोई के इस कबूलनामे से साफ हो गया कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के अलावा उसके गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 5 दिन हो गए। कत्ल में पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि कनाडा तक का कनेक्शन सामने आ गया। कत्ल से पहले सिद्धू के घर के बाहर रेकी करते हुए और फिर कत्ल के बाद भागती गाड़ियों की सीसीटीवी तस्वीरें भी मिली, लेकिन इतने सारे सुराग होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक शूटर्स तक नहीं पहुँचे। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।